सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो ये मेरा पहला वीडियो जो हिंदी में होने वाला है, एंड आज हम खेलने वाले हैं GTA रोल प्ले। दिस इज #3 पार्ट, मतलब पार्ट 3 चल रहा है ये रोल प्ले का, एंड आप लोगों का नए वीडियो में स्वागत है। तो अगर आप लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब करो, एंड चलो चालू करते हैं GTA रोल प्ले से। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम भाई माइकल बने हुए। आप पूछोगे कि फ्रैंकलिन कहाँ गया, तो एक्चुअली फ्रैंकलिन अब तक माइकल से मिला नहीं है, बट वो लोग फिर भी फ्रेंड है। एक्चुअली वो लोग ऑनलाइन फेसबुक में फ्रेंड बने थे, तो अब तक रियल लाइफ में देखा नहीं है बट नॉर्मली देखा। तो फ्रैंकलिन थोड़े टाइम के लिए बाहर गया है क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम कर थक गया था, इसीलिए उसने माइकल को जॉब दिया। तो अभी जो भी बॉस करेंगे हमें मिशन देने वाले, उसमें 50-50% करके माइकल और फ्रैंकलिन बांट लेंगे। तो इसलिए अभी हमारे पास जो है हम लोग माइकल बनकर खेलने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि माइकल यहाँ पर बैग लेकर खड़ा है, एंड आप देख सकते हो यार एकदम कूल है। तो मैंने ये गॉगल्स इसीलिए पहना ताकि मैं नहीं चाहता कि हमसे कुछ भी गलती हो, क्योंकि गॉगल्स से ना एक एक्स्ट्रा सुपर लक मिलेगा हमें। तो ठीक है, अभी हमारे पास बहुत सारे मिशन है। तो सब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो गैरेज है, मैं अभी भी यहाँ से बात कर आया, एंड यहाँ पे हमारे बॉस ने हमें मिशन दिया है। तो हमारे बॉस का नाम कुछ तो निरांद्रो था, एंड या उसने बोला उसमें से तुम्हें भाई कौन सी भी गाड़ी चाहिए ना बाहर वो आप तुम ले सकते हो। तो मैंने तो भाई सबसे बेस्ट वाली चुनी है, तो ये है। तो आज का मिशन जो होने वाला ना वो बहुत हार्ड होने वाला है, मतलब कि एकदम हार्ड होने वाला है। फ्रैंकलिन क्या कर रहा है, डोर बंद कर दे। चलो हो गया, डोर अपने आप बंद। तो आज के मिशन में हमें एक साथ बहुत कुछ करना है। थोड़ा टाइम हम लोग रुकते हैं जब तक दिन नहीं होता। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा अभी दिन हो गया है, थोड़ा टाइम मतलब सुबह सुबह हम लोग जाकर बात कर रहे थे अपने बॉस से। दिन में हमें मिशन करने में ज्यादा मजा आएगा, एंड तो फिलहाल तो अभी हम लोग वो लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे हमारे बॉस ने हमें जाने को कहा है। तो अभी हम चलते हैं वो लोकेशन पे। मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड पे आ गया हूँ, अब मुझे गाड़ी ठोकना नहीं, नहीं तो हमारे बॉस हमें ठोक देंगे। वैसे बॉस ने बोला चलेगा ठोकेंगे, क्योंकि ये मिशन में तो भाई गाड़ी का तो बुरा हालत होने ही वाला है, ये मिशन ऐसा है। तो देखते हैं अभी, बॉस ने तो बोला है मत ठोको, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा नहीं ठोके। बट फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हो यार बहुत सुबह का मौसम एकदम मस्त है, एंड माइकल की ड्राइविंग स्किल थोड़ी सी अच्छी है फ्रैंकलिन से, क्योंकि फ्रैंकलिन तो यहाँ पे वहाँ पे ठोकता रहता है, माइकल थोड़ा सा समझदार बंदा है। तो अभी हम हाईवे के यहाँ पे चलते हैं। भाई मैंने वो तोड़ दिया, कोई ना, अभी हम हाईवे के यहाँ पे चलते हैं, एंड हाईवे पे जैसे ही मैं पहुँच जाऊँगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। वी विल बी राइट बैक। ओके गाइस, तो मैं हाईवे में पहुँच चुका हूँ, बट हाईवे में एक हमें कार को चेस करना है। तो बेसिकली हमें वो कार को चेस करना है, वहाँ पे जो भी अंदर बंदे हैं हमें उन्हें मारना है। बट अभी हाईवे में मुझे वो कार के पास जाना पड़ेगा। एक्चुअली वो कार के अंदर हमारे बॉस ने GPS लगा के रखा, तो हमें GPS में पूरा पता चल रहा है वो कार कहाँ पे। तो मुझे जितना पता है कि वो कार 1-2 किलोमीटर आगे ये हाईवे में, तो अभी हम वो कार के यहाँ पर जाएंगे, एंड वो कार के यहाँ पे चेस करते, देखते कार मिलता तो सही है, एंड फिर हमें गाड़ी से मारना पड़ेगा उस कार के बंदों को। ऐसे 2-3 कार है एक्चुअली, तो वो कार में पता नहीं क्या जा रहा है, वो हमारे बॉस को ही पता, तो दुश्मनी निकालनी है उन्हें, तो पता नहीं क्या है उनका जो भी है। बट हमें तो कार चेस कर उसमें मारना है, एंड बाद में फिर हमें और 2-3 मिशन करने हैं, एंड उसके बाद में बॉस हमें पैसा देंगे। बट हमें 50% माइकल को भी देना पड़ेगा, क्योंकि भाई माइकल मिशन कर रहा है बेसिकली, एंड 50% जो होगा वो फ्रैंकलिन को मिलेगा। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अभी कार से बाइक में आ गया हूँ। तो क्या हुआ, एक्चुअली हमारे बॉस का कॉल आया था, उन्होंने बोला सामने बाइक रखी, बाइक में जाओ, क्योंकि पता नहीं वो कार का लगता है पुलिस ने ट्रैक कर लिया था वो कार लोकेशन को कुछ। तो बॉस ने बोला कि भाई तुम बाइक में जाओ, तो हमने बाइक ले ली अभी। चलो कोई ना, वैसे तो बाइक मुझे खास पसंद नहीं माइकल को, वो फ्रैंकलिन की पसंद है, बट माइकल फिर भी बाइक में जाएगा। अभी हम वो कार को चेस कर सकते हैं, वैसे तो बाइक में चलाना मुझे पसंद है, पर अभी माइक ही हमारा साथ देता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। बट फिलहाल तो हम लोग कार के पास चलते हैं, हम लोग बहुत क्लोज है कार के, कार यहाँ पे कहाँ पे होनी चाहिए, एंड फिर हमें उससे अंदर उसके अंदर शूट करना है, तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। वैसे मेरे को सब कुछ ब्लू दिख रहा है गॉगल्स की वजह से, बट कोई ना। तो अभी हम चलते हैं एंड वो कार को मारते हैं। ओके गाइस, वो कार मुझे सामने दिख रही है, तो आप देख सकते हो वहाँ पे 2-3 कार है। मैं थोड़ा सा गॉगल्स निकालूंगा क्योंकि मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा गॉगल्स की वजह से, एंड ठीक है अभी तो सब कुछ वियर्ड लग रहा है। बट अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, एंड ये जो दो कार है हमें इन्हें शूट करना है। आप देख सकते हो ऊपर वहाँ पे कुछ तो माल रखा है वो लोग ने, कार के ऊपर कुछ सामान भी है, तो लगता है वही सामान में कुछ तो इलीगल है या फिर क्या बता, तो हम लोग को वो कार में शूट करना है। तो भाई शूट कर दिया मैंने यार, एकदम प्रो जैसे स्किल्स थे, एंड ये ट्रक में भी एक्चुअली कुछ तो सामान जा रहा है वो लोग का, तो हमें इसे भी शूट करना है। तो अभी हम इसे शूट करते हैं गाइस। तो ट्रक वाला बंदा बहुत ही स्मार्ट है, एंड वो बहुत तेज भाग रहा है, एंड पीछे की गाड़ी जो है वो भी डर गई है। तो गाइस ये बंदे को मारने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हमें, भाई मर गया। तो गाइस जो बंदे को हमने मार दिया, अभी सामने एक और ट्रक है, हमें उसे मारना है, एंड उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो मतलब हमारा इधर का मिशन, हाईवे वाला मिशन जो है वो बंद हो जाएगा, उसके बाद में आगे के मिशन के लिए बॉस हमें कॉल करेंगे।
तो भाई एक बंदे को मैंने मार दिया, एक बंदा अभी भी ड्राइव कर रहा है, तो हमें उसे भी मारना होगा। तो गाइज मैंने दोनों बंदों को मार दिया एंड हमारा मिशन यहाँ पे हो गया। अभी हमें सीधा लॉस सेंटोस की सिटी में जाना है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग दिख रही है। तो हमें एक्चुअली वो बिल्डिंग में जाना है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में हम लोग जाते हैं, वहाँ पे हमें हमारे बॉस मिलेंगे एंड आगे का मिशन भी बता देंगे एंड ठीक है वो सब कुछ मिल पता चल जाएगा वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे चलते हैं हम। ओके गाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्टंट किया शॉर्टकट लेने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी हमारे बॉस के यहाँ पे पहुँचना है। तो यार अभी ना मैं गॉगल्स डाल लेता हूँ, क्योंकि बॉस के सामने कुछ गलती नहीं करनी हमें, तो इसीलिए गॉगल्स वॉगल्स डाल के रखते हैं हम। एंड अभी यहाँ पर हम चलते हैं जहाँ पे हमारे बॉस ने बोला, तो यही बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, शायद से हमारे बॉस की बिल्डिंग है, पता नहीं, उन्हें ये बिल्डिंग बहुत पसंद है शायद से, इसीलिए उन्होंने पिछली बार, अगर आपको याद है, आर्किमिडीज में अटैक करवाया था हमारे बॉस ने, क्योंकि आर्किमिडीज एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है एंड हमारे बॉस को कुछ तो उससे है पंगा। तो अभी हम पहुंच गए हमारे बिल्डिंग में एंड यहाँ पे कहाँ पे तो हमें बॉस हमारे मिलने चाहिए, तो मुझे तो ढूंढना पड़ेगा, तो मैं ढूंढ कर आप लोगों को बताता हूँ। ओके गाइस तो मेरी बॉस से बात हो चुकी है, उन्होंने बोला कि मेरा चेहरा दिखाना मत किसी को भी, तो हम यूट्यूब चैनल में उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। एंड मैंने गलती से यहाँ पे गॉगल्स उतार दिया था ढूंढने के चक्कर में, तो वापस से डाल लेता हूँ। एंड हमें बॉस से बात हो गई हमारी, अभी बॉस ने हमें कहा कि भाई तुम अपना बाइक लेकर जाओ एंड ये जो नेक्स्ट मिशन है मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है बट करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट मिशन में हमें एक्चुअली खुले में सब लोगों को शूट करना है बाइक में रह के, तो मतलब आज के जितने भी मिशन हुए हमारे सब में हमें शूट करना है। मैं बाइक थोड़ा सा अंदर भूल गया, तो मैं बाइक ढूंढता हूँ एंड सब में देखो बाइक हमारे यहाँ पे पड़ी है भाई, मस्त पड़ रही है यहाँ पे एकदम। तो भाई गाड़ी में बैठ जाते हैं हम अपने एंड हमें जो है खुले में शूट करना हाईवे में जाकर, तो सब कुछ हाईवे वाला आज जो भी है ठीक है, लगता है उन्होंने टेरर पहुँचाना है। एंड देखिए यहाँ पे हमारी बात तो हो चुकी थी बॉस से, अभी बस हमें हाईवे में जाकर लोगों को शूट करना है, तो ये बहुत मिशन सिंपल होगा हमारे लिए। अभी सामने हम हाईवे पे तो है, मैं यहाँ पे टर्न ले लेता हूँ, उन्होंने यहाँ पे कहाँ पे जाने बोला था। अभी फुटपाथ में भाई जो भी दिखेंगे हमें शूट करना है उन्हें, फॉर सम वियर्ड रीज़न मुझे पता नहीं क्यों। तो भाई आजकल के ये बाइक वाले बंदे को भी मारना है हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग भाग रहे बट हम मार रहे हैं। भाई यहाँ पे सबको मार दिया और भाई मैं भी गिर गया, ओह शिट। चलो बैठ जाएंगे उसमें क्या है। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ एंड हमने अब तक बहुत लोगों को मार तो दिया है, तो हमने लोगों में टेरर पहुँचा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग भाग रहे हैं हमसे डर कर, बट यहाँ पर मैं सबको मार रहा हूँ। तो भाई सब यहाँ पे बहुत लोगों को मार दिया है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे भी बहुत लोग भाग रहे हैं, हमें इन्हें भी मारना है एंड उसके बाद में हमें एक जगह पर भागना है ताकि पुलिस हमारे पीछे ना आए, क्योंकि पुलिस तो अब तक हमारे पीछे पड़ गई होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार दिया हमने रोड पे एंड चलो गाइस ठीक है अभी सब कुछ हो गया मारकर। अभी भाई हमें यहाँ से भागना है जितना हो सके, हमें इतना तेज़ भागना है क्योंकि पुलिस जो है हमारे पीछे ही पड़ी होगी एंड अभी हमें तो भाई एकदम तेज़ भागना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मिशन में तो मुझे कुछ लग रहा है कि असैसिनेशन होने वाला है, तो गाइस सब्सक्राइब करके रखो। तो हम लोग लॉस सैंटोस से निकलकर दूसरे शहर में जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसा मेरे बॉस ने कहा, तो आप सब्सक्राइब करके रखो अगर आप लोग ने अब तक नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में तो भाई मज़ा ही आने वाला है। नेक्स्ट सिटी में जाएंगे लॉस सैंटोस को छोड़ के, और वहाँ पे हमें शायद से कोई बड़े बंदे का असैसिनेशन करना तक पता नहीं है, शायद से प्रेसिडेंट भी हो सकता है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो। एंड अभी हमें पहाड़ी के इलाके में कुछ जाना जहाँ पे पुलिस ना आ सके, बस बॉस ने इतना कहा भाई पुलिस से बचो तुम। एंड उसके बाद में नेक्स्ट मिशन में बॉस ने कहा कि भाई हमें मिसाइल विसाइल जो सब कुछ मिल जाएगा, तो मतलब मज़ा आ जाएगा। एंड फ्रैंकलिन थोड़े टाइम के लिए छुट्टी में ही रहेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मस्त पे की वैन थे वहाँ पे। अभी जो भी अभी हम चलते हैं यहाँ पे पहाड़ी पे, आप देख सकते हो वहाँ पे प्लेन भी आ रहा है, तो शायद से वो हमारे बॉस को, बॉस भाई बहुत अमीर आदमी है। जो भी अभी हम चलते हैं पहाड़ी की तरफ, और हमें पहाड़ी में भाई संभाल कर रहना पड़ेगा, यहाँ पे लायन वायंस भी होते हैं एंड वहाँ पे हमारे बॉस ने कहा है कि हेलीकॉप्टर पड़ा होगा, तो वो भाई हेलीकॉप्टर लेकर हमें चले जाना है यहाँ से। अभी हम पहुँचने वाले, अभी मुझे हेलीकॉप्टर ढूंढना पड़ेगा, ये तो मैन वर्सेस वाइल्ड जैसा सिनारी हो गया। चलो जो भी, अभी हम हेलीकॉप्टर ढूंढते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ जैसे मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाता है। सो गाइज मुझे हेलीकॉप्टर दिख गया वहाँ पे, आप देख सकते हो, बट मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि ये मिशन में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्योंकि ये माइकल का फर्स्ट मिशन था, तो बॉस ने बोला भाई
तुम्हें इतना आसानी से हम दे नहीं सकते बड़े मिशन। ये मिशन करने के बाद हम लोग जाने वाले हैं दूसरे मैप में, दैट इज आउट ऑफ लॉस सैंटोस, एंड वी विल गो टू प्रेसिडेंट्स एरिया, एंड वहाँ पे प्रेसिडेंट को हमें शूट वूट करना पड़ेगा, स्नाइपर करना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, तो सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया तो। एंड फिलहाल के लिए अभी हम उड़ कर जाएंगे दूसरे सिटी में, क्योंकि बेसिकली अभी हमें दूसरी सिटी में जाना है लॉस सैंटोस को छोड़कर, एंड फिर वहाँ पे हमें जो है प्रेसिडेंट का असैसिनेशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो यार सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो वीडियो को अगर पसंद आया तो, क्योंकि आगे की वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये तो माइकल जी का फर्स्ट मिशन था, सोचो अभी सेकंड मिशन में असैसिनेशन होने वाला है प्रेसिडेंट का, तो भाई इंटरेस्टिंग तो एकदम होने ही वाले। तो अगर आप लोग ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।